इंदौर के तुकुगंज थाना क्षेत्र में रविवार रात में अज्ञात चोर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाहन के शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पूरी घटना और सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी और इस आधार पर पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से चोरी हुई शोरूम की तिजोरी और नकदी रुपया बरामद किया गया है। वहीं आपको बता दें, पूरे मामले में तुकुगंज थाना प्रभारी जितेंद्र यादव के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन शोरूम संचालक द्वारा थाने पर आकर शिकायत दर्ज कराई गई थी कि रविवार रात में उनके शोरूम में अज्ञात चोर द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें शोरूम में रखी हुई पुरानी तिजोरी और नकदी रुपया लेकर फरार हो गया। पूरे मामले में शोरूम में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा चंदूलाल उम्र 28 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में युवक ने बताया कि वह नजदीकी चाय की दुकान पर काम करता है और पत्नी द्वारा रुपए की डिमांड के कारण उसने यह चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल उसके पास से तिजोरी और नकदी रुपया बरामद कर लिया है, तो वहीं उससे अन्य चोरी के मामले में भी पूछताछ की जा रही है। आपने थाना तुकुगंज क्षेत्र में MG रोड पे सम्राट होटल के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक का शोरूम है। उस शोरूम में रविवार की दरमियानी रात में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरों द्वारा चोरी करने की रिपोर्ट थाने पर दर्ज हुई थी। उस रिपोर्ट के आधार पर जब चोरी प्रकरण कायम हुआ तो एक CI सेल और एक थाने की टीम तैयार की गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने इसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए तुरंत सजगता गंभीरता से कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया था। तो इसमें CCTV देखे गए। CCTV के बाद जो आरोपी की फ़ोटो आई, उसके बाद आसपास के भी CCTV फुटेज देखे गए, तो पता चला कि ये आरोपी को चिन्हित किया गया। फिर उस आरोपी जो है वो लोटस चाय वाले के यहाँ चाय और सैंडविच बनाने का काम करता था। उसको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि उसके द्वारा चोरी करना घटित की गई है। उसके द्वारा शोरूम से ले जाई गई तिजोरी, अन्य दस्तावेज, टूटी हुई तिजोरी जब्त की गई, उसमें रखे रुपए भी जब्त किए गए हैं और उससे और भी अधिक चोरियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। और कुछ पूछताछ में कुछ बताया, कुछ आर्थिक परेशानी है? हाँ, उसके द्वारा जब ये पूछा गया भाई ऐसा क्यों किया, तुम वहाँ काम करते थे, तो उसने पारिवारिक दबाव में बोला कि पत्नी के कहने पर कुछ डिमांड की वजह से चोरी की। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।